Welcome to CR International School online classes. How are you student? I think everyone is fine there. Take care of yourself, beta. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगा कर रखिए, बार बार हैंड सैनिटाइज और हैंड वॉश कीजिए. ओके बेटा. बेटा क्लास कौन सी है आपकी? क्लास फर्स्ट. सब्जेक्ट कौन सा पढ़ने जा रहे हैं हम? ईवीएस. ईवीएस में आज हम क्या करें बेटा? आज हम न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? अवर ग्रीन फ्रेंड. फ्रेंड क्या होता है? दोस्त यानी मित्र. अवर मीन्स हमारा और ग्रीन मीन्स हरा. हमारा हरा हरे दोस्त. हमारे हरे दोस्त कौन से होते हैं? कौन से होते हैं हरे दोस्त बेटा? हम अपने आसपास में देखते हैं घर से बाहर निकलकर तो क्या होती है? हरे हरे होते हैं जो कि हमें बहुत कुछ देते हैं. क्या होते हैं ये? जो हमें छाया भी देते हैं, फूल पौधे भी देते हैं और भी बहुत कुछ देते हैं. फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं. क्या होते हैं ये? पेड़ पौधे. ये हमारे कौन होते हैं? फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं. ओके चलो इनके बारे में आज पढ़ेंगे. तो बेटा ईवीएस की बुक ओपन करेंगे लेसन नंबर 8 पेज नंबर 44. ओके ये वाला पेज आज हम इसकी रीडिंग करेंगे. तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोग स्टार्ट करेंगे मैम के साथ साथ और पेंसिल शार्पनर इरेजर लेंगे. ईवीएस की बुक ओपन करेंगे पेज नंबर 44. ओके और मैम जहां हिंदी लिखवाएंगे आपने भी हिंदी लिखनी है. ठीक है बेटा चलो स्टार्ट करते हैं. या लेसन का नेम क्या है? अवर ग्रीन फ्रेंड. अवर मीन्स हमारा या हमारे. ग्रीन मीन्स हरे. ग्रीन मीन्स हरे और फ्रेंड्स मीन्स मित्र. हमारे हरे मित्र, हमारे हरे दोस्त मित्र. ओके चलो फिर इनके बारे में देखते हैं. क्या है? प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स मीन्स क्या होता है बेटा? जीवित वस्तुएं. एल आई वी आई एन जी लिविंग. लिविंग मीन्स जीवित यानी जो जिंदा होती है, अपने आप को बढ़ती है, खाती है, पीती है और अपने आप को बढ़ाती है, वो होती है जीवित. और थिंग्स मीन्स थिंग्स मीन्स वस्तुएं. जो प्लांट्स है वो क्या है? जीवित है क्योंकि वो खाती भी हैं, पीती भी हैं, अपने आप को बड़ा भी करती हैं. ओके डैट ग्रो इन सॉइल. ग्रो मीन्स बढ़ना. जी आर ओ डब्ल्यू ग्रो. ग्रो मीन्स बढ़ना. ये बढ़ते हैं किस में? बढ़ते हैं सॉइल. एस ओ आई एल सॉइल. सॉइल मीन्स क्या होता है बेटा? मिट्टी. ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये कहाँ बढ़ते हैं? कहाँ बढ़ते हैं? मिट्टी में बढ़ते हैं, जमीन में बढ़ते हैं. वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस. अराउंड मीन्स आसपास. ए आर ओ यू एंड डी अराउंड. अराउंड मीन्स आस पास. हम अपने आसपास देखते हैं बेटा बहुत तरह के पेड़ पौधे हैं. ओके दे नीड. नीड मीन्स जरूरत. इन्हें जरूरत होती है सनलाइट. सनलाइट मीन्स क्या होता है बेटा? धूप. सनलाइट मीन्स सन एल आई जी एच टी लाइट मतलब धूप. इन्हें किस चीज की जरूरत होती है पेड़ पौधों को? धूप की जरूरत होती है. वॉटर. वॉटर मीन्स पानी. एयर. एयर मीन्स हवा. एंड सॉइल. सॉइल मीन्स मिट्टी. ये जो पेड़ पौधे होते हैं बेटा इन्हें जैसे हम खाते हैं, हमें खाने के लिए अलग अलग तरह के भोजन की जरूरत होती है, पानी की भी जरूरत होती है, हवा की भी जरूरत होती है. तो ऐसे ही जो पेड़ पौधे होते हैं इन्हें किस किस की जरूरत होती है? धूप की यानी सनलाइट, वाटर यानी पानी की, एयर यानी हवा और सॉइल मिट्टी की जो मिट्टी में ये अपने आप को बढ़ाते हैं. ओके दे आर ऑफ डिफरेंट साइज. साइज मीन्स आकार. एस आई जेड ई एस यानी आकार. ये जो पेड़ पौधे होते बेटा ये अलग अलग साइज के होते हैं. आप घर से बाहर निकलिए और देखिए कुछ छोटे छोटे होंगे, कुछ बहुत बड़े बड़े होंगे, कुछ और थोड़े से बड़े होंगे. होंगे ना अलग अलग साइज के होंगे, है ना? चलो अब हम क्या देखेंगे बेटा? पार्ट्स ऑफ प्लांट.
ये जो प्लांट है बेटा, जैसे हमारा शरीर है, शरीर के अलग अलग भाग होते हैं, ऐसे ही जो प्लांट होता है उसके भी अलग अलग भाग होते हैं। ओके, अब हम इसके बारे में देखते हैं। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। जो बेटा मिट्टी के अंदर जो प्लांट है, मिट्टी के अंदर जो पार्ट होता है, हम अगर प्लांट को निकालते हैं बाहर, जो मिट्टी के अंदर का भाग होता है इसे क्या बोलते हैं? ये जो ये इस तरीके से होती हैं, इन्हें बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? आर आर डबल ओ टी, रूट। रूट मीन्स क्या होता है बेटा? जड़। चौकी कहाँ होती है? जड़। जो पेड़ की जड़ कहाँ होती है? जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? रूट, यानी जड़ बोलते हैं। अब बेटा मिट्टी से बाहर हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं, तो ये वाला जो भाग होता है इसे क्या बोलते हैं? स्टेम, एस टी ई एम, स्टेम यानी तना। क्या बोलते हैं? तना। जो कि कहाँ होता है? मिट्टी से थोड़ा सा ऊपर होता है तना। ओके, उससे ऊपर अगर हम आते हैं तो ग्रीन कलर के पेड़ के ऊपर जो होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ये क्या होते हैं? क्या होते हैं ये जो ग्रीन कलर के हैं? ये क्या है? आप अपनी बुक में देखिए, ग्रीन कलर के क्या है? ये लीफ, एल ई ए एफ, लीफ। लीफ मीन्स क्या होता है बेटा? पत्ता। क्या होता है ये? पत्ता। क्या होते हैं ये? इतने सारे क्या होते हैं? लीव्स, जो कि ग्रीन कलर के होते हैं। ओके, फिर बेटा हम आगे चलें तो इसके ऊपर ये जो फूल खिले होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? फ्लावर्स, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, फ्लावर। फ्लावर मीन्स फूल। इस पेड़ पर क्या लगे होते हैं? फूल भी लगे होते हैं, लगे होते हैं। और बेटा यहां पर ये आप अपनी बुक में देखिए, क्या है ये? ये क्या है? फ्रूट्स भी हैं। क्या है ये? फ्रूट्स भी हैं। क्या बोलते हैं इसे? फ्रूट, एफ आर यू आई टी, फ्रूट। फ्रूट मीन्स फल। क्या लगे होते हैं? फल भी लगे होते हैं, लगे होते हैं ना। अब बेटा अब इसकी जो टहनियां होती हैं उसे क्या बोलते हैं? ब्रांच, बी आर ए एन सी एच, ब्रांच। ब्रांच मीन्स क्या होता है बेटा? टहनी। ब्रांच मीन्स टहनी, इसे क्या बोलते हैं? टहनी को इंग्लिश में ब्रांच बोलते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, जो ये कली से खिली होती है, कली होती है, उसे क्या बोलते हैं? बर्ड, बी यू डी, बर्ड यानी कली। क्या होती है ये? कली। ओके, अब इसकी ये कैसे बढ़ते हैं बेटा? जो बेटा सबसे पहले हम पेड़ पौधे को लगाते हैं, मिट्टी के अंदर बीज डालते हैं और वो बढ़कर क्या बन जाता है? एक हरे रंग का पौधा बनता है। इस पौधे में क्या लगते हैं? छोटे छोटे से फूल लगते हैं। पहले छोटी छोटी सी क्या होती है? कलियां होती हैं। कलियां खिल के क्या बन जाती है? फूल। और उस फूल में से क्या निकलते हैं? फल निकलते हैं। ओके, तो आज हमने क्या देखा? क्या देखा है हमने? पार्ट्स क्या देखे हैं? प्लांट्स के पार्ट्स देखे। आपने इनकी हिंदी लिखनी है अपने बुक के अंदर पेज नंबर 44 पे, और आपने वीडियो को बहुत अच्छे से समझना है, समझकर हिंदी लिखनी है, और सभी बच्चों ने इस पेज को चेकिंग के लिए मैम को सेंड करना है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बेटा, टेक केयर।